इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ द डिप्लेशन टाइप मोसफेट एन चैनल, है ना। उसको उसकी वर्किंग हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो डिप्लेशन टाइप मोसफेट है और ये मोसफेट है हमारा एन चैनल, तो इससे इंडिकेट हो रहा है ये एन चैनल है। तो जब एन चैनल रहेगा तो इधर पी टाइप सब्सट्रेट रहेगा, और जब ये पी चैनल बनाएंगे तो पी टाइप हमारा जो मोसफेट हो जाएगा, ठीक है। और जो सब्सट्रेट है वो एन टाइप का रहेगा। बस ये इसमें डिफरेंस है एन चैनल और पी चैनल की कंस्ट्रक्शन में, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर इसकी वर्किंग समझते हैं कैसे है। तो डिप्लेशन लेयर में, डिप्लेशन मोड में कब काम करता है, इन्हेंसमेंट मोड में कब काम करता है। देखो ये एन प्लस हैं दोनों, तो एन प्लस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंपेयर टू एन, एन प्लस का मतलब है हैवली डोप्ड, सही है, और एन का मतलब है मॉडरेट डोप्ड, ठीक है। तो जो हैवली डोप्ड है, तो हैवली डोप्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है, और एन जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। तो कहने का मतलब है चार्ज कैरियर जो है कम है अगर इसके रेस्पेक्ट में, जो एन प्लस और ये एन प्लस वाले जो दोनों टर्म हैं ड्रेन और सोर्स के, इससे हम चेक करें। अच्छा, ये डिवाइस भी सिमेट्रिकल डिवाइस है, आप इसको सोर्स बना सकते हो ड्रेन को और सोर्स को ड्रेन बना सकते हो, ठीक। तो गेट पर ये और ये दोनों ये तो फिक्स हैं, ये रहेंगे। चलिए अभी आगे चलते हैं। तो किस तरह ये डिप्लेशन मोड में जाता है और किस तरह ये हमारा इन्हेंसमेंट मोड में जाता है, इसको समझ लेते हैं। तो देखो जैसे कैपेसिटर की वर्किंग है, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज दोगे, ठीक है, इधर आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करी सपोज करो, ठीक। तो कैपेसिटर में क्या होता है, जब एक प्लेट को आप नेगेटिव देते हो तो दूसरी जो प्लेट है, तो ये वाला जो चैनल है ये बिहेव करेगा एज ए सेकेंडरी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ठीक। तो जब इसको आप नेगेटिव दोगे एक प्लेट को, तो बीच में क्या है, इंसुलेटर सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये उनको रिपेल करेगा इस साइड में, और जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे होल। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पी टाइप सब्सट्रेट की तरफ इनको धकेल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो चार्ज कैरियर हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो चार्ज कैरियर हैं, वो क्या होंगे, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो रिड्यूस होना शुरू होंगे, तो जब चार्ज कैरियर ही कम रहेंगे, ठीक है, तो करंट फ्लो कराने के लिए चार्ज कैरियर की ज़रूरत है, ठीक। पर जब चार्ज कैरियर ही कम है तो जो करंट का जो फ्लो है वो आपका क्या होगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो है डिप्लेशन वाले में। इन्हेंस वाले में इनको प्लस कर दो, तो जब इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, अब इधर जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पर इसलिए जो ये हमारा एन चैनल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू होंगे, ठीक। तो जैसे जैसे पॉजिटिव इंक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे ही ये जो एन वाला है, एन चैनल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो पी टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर में है वो भी इधर आएंगे, है ना। वही जो टेम्परेचर से जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, सेमीकंडक्टर में हमेशा ऐसा होता रहता है। तो जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं वो भी साइड में आएंगे, और यहाँ से जो एन प्लस है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जो चैनल है इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो हैं वो क्या होंगे, इन्हेंस होंगे। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर अगर इन्हेंस होंगे तो जो करंट है ना, जो करंट को कैरी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो फिर क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रही है। तो इसको बोलते हैं इन्हेंसमेंट मोड। तो इस तरह की इसकी वर्किंग है सिंपल सी, ठीक है ना। तो जैसे कैपेसिटर में है उस तरह इसमें देखना है। बस इसमें क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट है चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को रिड्यूस कर रहे हो या इन्हेंस कर रहे हो। अगर रिड्यूस कर रहे हो, डिपेल कर रहे हो, तो वो तो हो गया डिप्लेशन मोड, जिसमें हम जो करंट है उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। और जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इन्हेंसमेंट मोड में काम कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो इसके सिंबल पर आ जाते हैं, पहले सिंबल को देख लो। तो यहाँ पर ये क्या है, जो गेट और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है। तो कनेक्शन नहीं दिखाया गया है तो वजह है ये सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर, ठीक है, तो इंसुलेटेड लेयर। तो बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं है गेट का ड्रेन या सोर्स के साथ या चैनल के साथ। ये चैनल है ना, तो ये चैनल है जो आपस में ड्रेन और सोर्स को कनेक्ट किए हुए है, और साथ में जो बॉडी है इसको भी कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह का है, तो इनसाइड में रहेगा अगर डिवाइस के अंदर एरो इस तरह है तो ये एन चैनल, और ये भी उसी सेम सिंबल है। और जो सोर्स है, सॉरी जो सबस्ट्रेट है, ये एस एस है, बेसिकली एस एस लिखा हुआ है। तो सबस्ट्रेट जो है वो सोर्स के साथ कनेक्ट रहता है एन चैनल के केस में, ठीक है जी। चलते हैं अब इसमें आगे, इसमें वर्किंग समझ लेते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने जो वी जी एस है इसकी वैल्यू को हमने दिया
तो VGS को हमने दिया इक्वल्स टू जीरो, और VDD जो है या VDS जो है सम पॉजिटिव वोल्टेज, तो VDS जो है ड्रेन और सोर्स के बीच में है ना जो भी वोल्टेज है वो VDS है, और यहाँ पर जो डिवाइस जो लोड है हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर VDD के सीरीज में, ठीक है। तो सपोज़ करो ये RL है इस तरह का, तो लोड जो होगा इधर कनेक्ट होगा और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसको हमें कंट्रोल करना है, ठीक है, वाया VGS, ठीक है। तो VGS के थ्रू हम ID को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा लोड है उसमें करंट इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो इस तरह का हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कोई लोड नहीं है तो सिर्फ वर्किंग समझ ली है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। तो VGS की वैल्यू को रखेंगे जीरो और VDS जो है हमारी कुछ पॉजिटिव वोल्टेज, तो इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप VDD को इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे ही हमारी जो करंट है ID वो भी हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर जो चार्ज कैरियर हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्योंकि देखो जो कंडक्टर है उसमें चार्ज कैरियर कितने होते हैं, ज़्यादा होते हैं, है ना, और जो सेमीकंडक्टर है उसमें चार्ज कैरियर उसके कंपेरिजन में बहुत कम होते हैं, फिर उसको डोपिंग की जाती है, डोपिंग करने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो चार्ज कैरियर यहाँ पर हैं, अब जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उससे तो ज़्यादा ही है, पर जो चार्ज कैरियर हैं उसकी वजह से आप ऐसा नहीं है कि जितनी आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना ही हमारी करंट भी बढ़ती जाएगी करस्पॉन्डिंगली, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो उसके पीछे क्या है रीज़न कि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं वो हैं लिमिटेड चार्ज कैरियर हैं, ठीक है। तो उन चार्ज कैरियर की वजह से वो जितना मैक्सिमम करंट कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो एक लेवल ऐसा आएगा उससे ज़्यादा वो करंट को कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो हैं वो हमारे क्या हो गए, वो अलाउ ही नहीं होंगे इस चैनल पर, उस पार्टिकुलर लेवल से ज़्यादा चार्ज कैरियर अलाउ ही नहीं करेगा ये हमारा जो है, ठीक है, एन चैनल, ठीक। तो कहने का मतलब है हम रीच कर लेंगे IDSS सेचुरेशन करंट, तो ये वाली वैल्यू इसको मान लिया VGS इक्वल्स टू जीरो पे IDSS हमने रीच कर लिया, ठीक है। तो ये वाला है, अब अगर आप VDS को इंक्रीज करते जाते हो इस VP के बाद तो कोई भी करंट हमारा जो ID है ड्रेन करंट है वो हमारा इंक्रीज नहीं होगा, क्लियर है, ठीक। अब आते हैं डिप्लेशन मोड पे। डिप्लेशन मोड में कैसे करना है, डिप्लेशन मोड में आप अगर यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करो, ठीक है, तो इसका देखता हूँ कुछ नेगेटिव वोल्टेज मैंने नीचे दिया हो, अच्छा पी चैनल की वर्किंग हो गई, यही सारी वर्किंग बतानी पड़ेगी, हाँ। तो अब आते हैं डिप्लेशन मोड में। डिप्लेशन मोड में क्या करेंगे, इधर हम इस पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमने नेगेटिव वोल्टेज इधर VGS पे देंगे, तो जब VGS पे हम कुछ नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इधर सब माइनस है ना, ये नेगेटिव साइड है, तो ये वाली प्लेट जो है नेगेटिव हो जाएगी जिस पे नेगेटिव वोल्टेज देंगे, और कैपेसिटर जो है जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं और बीच में इंसुलेटर होता है, तो एक प्लेट तो ये हो गई, एक प्लेट को अगर आप नेगेटिव दोगे तो दूसरी प्लेट पे ऑटोमेटिकली क्या आएगा, पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर अब इधर एक प्लेट अगर नेगेटिव हो गई तो इस प्लेट पे यहाँ पर कलेक्ट होंगे है ना होल्स जो हैं वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, तो होल्स कलेक्ट होंगे। तो होल्स कब होंगे, जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो जो इस चैनल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा वो, तो जो चैनल है इसको मैं रंग बिरंगा करने के चक्कर में थोड़ा सा अब कलर का लगा पड़ा है, इसमें मैं कलर लूँ ब्लू लेके देखते हैं। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या हो रहे हैं, ये रिपेल होके अब हो गया बड़ा, चलो इसको ऐसे समझते हैं कि जो हमारे वाइट से देखते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे पी की तरफ, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन इधर से छोड़ के जाएंगे एन चैनल को तो यहाँ पर क्या बचेंगे, होल बचेंगे, ठीक है, तो होल इधर, तो इधर मैं होल को पॉजिटिव से इंडिकेट करता हूँ,
तो यहाँ पर होल आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो होल जो है बेसिकली, अब हमारा जब ये होल हमारे इसके नीचे कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर जो ये हमारी सिलिकॉन ऑक्साइड की जो लेयर है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव इस पर इंक्रीज़ करते जाओगे, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे क्या होते रहेंगे, डिपेल होते रहेंगे इस चैनल से। तो कहने का मतलब है जो इस चैनल में हमारे जो चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन, अब वो क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो जब चार्ज कैरियर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होंगे तो जो करंट है, जो जिनके वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, करंट भी रिड्यूस होनी शुरू होगी। तो जब VGS को हमने दिया नेगेटिव वोल्ट, -1 वोल्ट है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन चैनल को छोड़ के चले गए, ठीक है, उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव आ गया इसको बैलेंस करने के लिए। तो अब जो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज कैरियर हैं वो क्या हो गए, हमारे रिड्यूस हो गए। तो उस वजह से जो करंट है ना, तो वो करंट क्या हो गई, हमारी रिड्यूस हो गई। ठीक, इसको और नेगेटिव -2 वोल्ट किया, -2 वोल्ट किया, और कुछ इलेक्ट्रॉन इस चैनल को छोड़ के चले जाएंगे पी टाइप सबस्ट्रेट में, ठीक है। तो इनको क्या कर देगा, डिपेल कर देगा, यहाँ से चैनल से इलेक्ट्रॉन को डिपेल कर रहा है, और इधर इतने पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो और कम हो गया। तो इस तरह जैसे जैसे आप नेगेटिव वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज देते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाते रहेंगे चैनल से। तो चैनल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जितने हमारे चार्ज कैरियर कम होते जाएंगे, उतना ही हमारा करंट जो है वो भी रिड्यूस होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब नेगेटिव करते गेट टू सोर्स वोल्टेज को इतना नेगेटिव कर देंगे कि यहाँ पर एक भी चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो उस केस में ID की वैल्यू होगी 0, ठीक है, और उसको बोलते हैं पिंच ऑफ, ठीक है, यहाँ पर भी पिंच ऑफ है VP, ठीक। तो इस तरह का है, तो वैसे कुछ नहीं है कि डिप्लेशन लेयर से लेना देना कुछ नहीं है। पिंच ऑफ का मतलब है कि यहाँ पर VP इसका नाम दे दिया है वो JFET से लेके, पर पिंच ऑफ जैसा यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ख़त्म हो गए, ठीक है। तो अब कोई चार्ज कैरियर बचा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे हैं इलेक्ट्रॉन और इधर हैं होल, तो होल और इलेक्ट्रॉन के साथ इधर कुछ यहाँ पर करंट जो है फ्लो करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो है प्लस के साथ, ठीक है ना। तो जो हमारे होल और इलेक्ट्रॉन ऐसे आपस में मिलके कभी भी करंट जो है फ्लो नहीं कराते हैं, ठीक है ना। तो जो एन चैनल है तो ये भी एन है और ये भी एन है, जब सारे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या सारे ही होल्स होने चाहिए दोनों साइड में, तब तो ये फ्लो करेगा, अदरवाइज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है जी। चलो, तो ये तो हो गया ये वाला केस, तो ये तो है डिप्लेशन वाला, ठीक। दूसरा केस है इन्हेंसमेंट वाला। इन्हेंसमेंट वाले में क्या है, इधर हम देंगे प्लस, तो जब प्लस देंगे तो यहाँ पर अब चाहिए इसको नेगेटिव वाले, तो पहले से यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, और जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करते जाओगे पॉजिटिवली VGS की वैल्यू को, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, कुछ तो आएंगे पी टाइप सबस्ट्रेट से, जो माइनॉरिटी कैरियर हैं वो हमारे इधर आके कलेक्ट होते रहेंगे, ठीक है, और कुछ आएंगे इधर से, ये एन प्लस है और ये सिर्फ एन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर से भी चैनल की तरफ आएंगे, यानी जो गेट है उसके नीचे यहाँ कलेक्ट होते रहेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, करंट जो है हमारी ID की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का है, तो कहने का मतलब है जब हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो VGS इक्वल्स टू +1 वोल्ट, तो IDSS से इंक्रीज हो गई, ठीक। तो ये वाला जो है इन्हेंसमेंट मोड में है, तो VGS इक्वल्स टू +2 वोल्ट, तो इस तरह का चलेगा, सिंपल है कॉन्सेप्ट, ठीक। अब आते हैं इसकी ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक और ड्रेन करेक्टरिस्टिक में। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये डिप्लेशन मोड में दिखाया हुआ है, अब इसको मैं इन्हेंस मोड में कर देता हूँ, ये हो गया इन्हेंस मोड, VGS इक्वल्स टू +1 वोल्ट, ये वाली वैल्यू इधर हो गई VGS इक्वल्स टू +2 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पर इसको, ये ट्रांसफर कर्व है, ट्रांसफर कर्व क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो इनपुट है हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज और जो आउटपुट है वो हमारा ड्रेन करंट। तो और ड्रेन करेक्टरिस्टिक में जो आउटपुट लेंगे वो हमारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट, ठीक है, ये हमारा आउटपुट है करंट है, तो इन दोनों के बीच में है ड्रेन करेक्टरिस्टिक। तो ये जो मोड है इधर, इसको बोलेंगे डिप्लेशन मोड,
ठीक है जी। और इधर वाला जो है इसको बोलेंगे इन्हेंसमेंट, ठीक है। इसको यहाँ पर भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको प्लॉट कर सकते हैं ट्रांसफ़र कर्व। कैसे प्लॉट करेंगे? VGS है, ठीक है, ये जीरो है तो VGS की वैल्यू को यहाँ पर आगे, चलो ऊपर से लेते हैं। तो ऊपर से एक तो ये हमारा बना, तो यहाँ पर VGS की वैल्यू थी जीरो, जहाँ पर हमारा करंट था IDSS। इस पॉइंट पे इसको बढ़ाया वन और ये आया हमारा यहाँ पर, तो एक हमारा यहाँ बना। टू पे किया तो टू पे इसको लाए यहाँ तक, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आया, जब इसको थ्री किया तो थ्री वाले में है ये वाला, तो ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगा, है ना, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये है हमारी जो डिवाइस है ये नॉन लीनियर डिवाइस है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब VGS इक्वल्स टू अगर सब VP कर देंगे तो ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये तो जो है इधर वाला मोड जो है इनको आपस में मिला दो, ये तो हो गया डिप्लेशन वाला। अब इधर वाले आते हैं, तो यहाँ पर प्लस वन है तो एक ये बना, ऐसे ही इधर मान लो यहाँ पर प्लस टू है VGS की वैल्यू, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, और ये हो गया। तो इससे इधर वाला जो मोड है इसको तो बोलेंगे इन्हेंसमेंट, और इधर वाला जो है इसको बोलेंगे डिप्लेशन। डिप्लेशन में आईडी की वैल्यू रिड्यूस होती है और इन्हेंसमेंट में आईडी की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। तो कंट्रोल करता है VGS ही, तो VGS को पॉजिटिव दोगे तो इन्हेंस मोड में काम करने लगेगा, VGS को नेगेटिव दोगे, है ना, एन चैनल के लिए, तो ये डिप्लेशन मोड में काम करने लगेगा। सिंपल है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पी चैनल डिप्लेशन डिस्कस करेंगे, इसको भी यहीं रोकते हैं।